ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 14 दिसंबर 2018, शुक्रवार का दिन है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। शतभिषा नक्षत्र है। कुंभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे। पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दही या फिर जौ खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल की यदि हम बात करें तो सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या फिर नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की बात करें, ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु भी वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ मिथुन कर्क कन्या तुला और वृश्चिक इन 6 राशि वालों को होगा बड़ा फायदा। ये 6 राशि वालों के लिए दिन सबसे अच्छा व्यतीत होने वाला है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज आप काम काज निपटाने में बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे। मन पर कंट्रोल रखें, मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। किसी काम के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। खुद पर ध्यान दें और जरूरी बदलाव भी आपको करना पड़ेगा। लोगों से मदद आपको प्राप्त होगी। आप कोई नई चीज भी सीख सकते हैं जिससे आगे चलकर आपके सभी काम आसान हो जाएंगे। आज आप अपने मन की बात किसी दोस्त या रिश्तेदार से भी कह सकते हैं। यात्रा का योग बन रहा है। पुराने मामलों को लेकर के यात्रा हो सकती है। आप किसी काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहेंगे। अधिकारियों से भी आपको कार्यक्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा। किसी से कोई बात शेयर करने में संकोच बिल्कुल न करें। और उपाय के रूप में यदि आप बहते हुए पानी में थोड़ा सा चावल डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे तो सोचे हुए ज्यादातर काम आपके पूरे हो जाएंगे। काम पर बार बार विचार करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। दूसरों को जितना आप महत्व देंगे उतना ही आपको महत्व प्राप्त होगा और उतना ही अधिक फायदा होने का योग है। यदि आप नौकरी में हैं तो नई योजनाएं बना सकते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों और मददगार लोगों का आप सम्मान करें। किसी दोस्त से कोई उपहार भी आपको प्राप्त होगा। समय का सदुपयोग करें। दोस्तों की मदद से जरूरी काम भी आपके पूरे हो सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में कच्चे दूध का दान करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। ऑफिस में साथ काम करने वाले और बड़े लोगों के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत होने का योग है। इससे आपको खुशी भी मिलेगी। कुछ नया भी सीख सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने का योग बन रहा है। आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा। कोई दोस्त या साथ काम करने वाला आज आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप सावधानी बरतें। आज आप किसी दोस्त के निजी मामलों में मदद भी करेंगे। करीबी दोस्तों और खास लोगों से आपकी मुलाकात होने का योग है। आप काफी व्यस्त रहेंगे। अपने संपर्क के दम पर आप बहुत कुछ हासिल भी कर लेंगे। मीठा बोल करके अपने सभी काम पूरे करवा लेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दूध की मिठाई दान करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। हर काम को धैर्य और समझदारी से निपटाने का प्रयास करें। कुछ लोग रोजगार की तलाश में रहेंगे और तकनीकी क्षेत्र में आपको अच्छी जो है अवसर प्राप्त होने का योग बन रहा है। किसी से मदद मांगनी हो तो संकोच न करें। कोई पुरस्कार भी आपको मिल सकता है। आपके लिए दिन बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आसपास और साथ वाले लोग आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। लोगों की नजर आपके ऊपर रहेगी। सोचे हुए सभी काम आपके पूरे होंगे। जमीन जायदाद में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपका मन थोड़ा चंचल रहेगा। अटके हुए सभी काम आपके पूरे होंगे। परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। और उपाय के रूप में पीपल के पेड़ में यदि आप दूध और जल मिलाकर के चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। कुछ नए अनुभव के लिए आप तैयार रहे। इनसे आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ सकता है।
घर से दूर रहे तो घर की याद आ सकती है। घर के कुछ काम आज आप फोन पर ही निपटा लेंगे। बहुत से मामले आपके पक्ष में रहेंगे। बिजनेस बढ़ाने के अवसर आपको मिल सकते हैं। ज्यादातर मामलों में दिन सामान्य रहेगा। पार्टनरशिप के काम जरूरी आपके जो भी हैं वह पूरे हो जाएंगे। और उपाय के रूप में एक लाल फूल यदि आप हनुमान जी को चढ़ा देते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। करीबी लोगों को आपसे कुछ अपेक्षाएं रहेगी। आपकी थोड़ी सुस्ती भी रहेगी। बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर किए गए कामों से आपको फायदा होगा। स्वतंत्रता से काम करने के बारे में विचार करेंगे तो फायदा होगा। बिजनेस की शुरुआत सुस्त रहेगी। धीरे धीरे कामकाज में गति आएगी। बहुत से काम लगभग आपाधापी या जल्दबाजी में ही पूरे होंगे। संतान के कामकाज पर आपको नजर रखनी होगी। संतान को समय देना होगा। बड़े सपने आपको देखने, लेकिन समस्या का समाधान भी आपको मिल जाएगा। उच्च एवं बौद्धिक वर्ग में आपका सम्मान बढ़ने वाला है। उपाय के रूप में गाय को हरी घास या फिर हरी सब्जी आप खिलाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। बिगड़े हुए काम और स्थितियां जो है सुधारने का प्रयास करेंगे। शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त हो जाएगी। नए संबंधों से फायदा होगा। दोस्तों से मदद मिलेगी। कामकाज से संबंधित जरूरी लोगों से आपकी मुलाकात होगी। और कोई चुनौती भी आपको आ सकती है। राजनीतिक और सामाजिक कामों में सफलता आपको प्राप्त होगी। बिजनेस के मामलों में दिन बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस और नौकरी में आपको जो है कंपटीशन का सामना भी करना पड़ेगा। काम शुरू करने के लिए या लोगों से काम करवाने के लिए व्यावहारिक तौर पर सावधान रहे। परिवार के मामलों की अनदेखी बिल्कुल न करें। नौकरी और बिजनेस वाले दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ संबंधों में तनाव भी हो सकता है। खर्चों में कमी करने का प्रयास करें। और उपाय के रूप में यदि आप सफेद कपड़े का दान किसी भी मंदिर में करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपको जो है परेशानियां जो चल रही है उससे राहत मिलेगी। किसी काम को मन लगाकर करेंगे तो जल्द ही सफल हो जाएंगे। ऑफिस के कुछ काम निपटाने में आपको जो है रूटीन कार्यों में बदलाव करना पड़ सकता है। बिजनेस करने वालों को जितना काम मिलता जाए उतना ही स्वीकार करते जाए। एक एक करके काम निपटाएं। नए कामकाज की योजना बन सकती है। जो भी बात कहे साफ और सटीक तरीके से कहे। किसी तरह का निवेश करने के पहले ठीक प्रकार से उसे चेक कर ले। मेहनत का पूरा फल भी आपको मिलने वाला है। आने वाले दिनों में आपको फायदा होगा। आपके कामकाज की क्षमता बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव भी बढ़ सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज या फिर आटे का दान करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपकी व्यवहारिकता पर भावुकता हावी हो सकती है। अपनी सभी योजनाएं और विचार अच्छी तरह दूसरों को समझा भी सकते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी और सफल भी हो जाएंगे। आपको आने वाले दिनों में फायदा होगा। पुरानी समस्या का कोई नया समाधान आपको मिल जाएगा। ऑफिस के अधूरे काम निपटाने के लिए दिन ठीक है। रोमांस के लिए दिन अच्छा है। पार्टनर आपकी बात को मानेगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। बिजनेस और नौकरी में आपका महत्व और प्रभाव बढ़ सकता है। जायदाद से जुड़े बड़े फैसले आज न ले। किसी चीज की खरीदारी के लिए आप पारिवारिक दबाव में आ सकते हैं। बड़े फैसले के लिए दिन थोड़ा सा जो है कमजोर है, इसलिए सोच समझ करके फैसला लेना आपके लिए ठीक रहेगा। और उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाई यदि माता महालक्ष्मी को चढ़ा करके प्रसाद बांटेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। अपना व्यवहार जितना लचीला रखेंगे उतने ही आप सफल रहेंगे। शांति से निजी जीवन के बारे में विचार करें। परिवार को लेकर के आप ज्यादा भावनात्मक हो सकते हैं। परिवार की जरूरत और चिंताओं के प्रति आप संवेदनशील रहेंगे। परिवार के साथ पुरानी अनबन समाप्त होगी। लचीले व्यवहार के दम पर साथ काम करने वालों के साथ आप समझौता भी कर सकते हैं। ऑफिस में काम ज्यादा रहेगा। सेहत पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों और भाइयों के साथ आपका समय व्यतीत होगा। आपकी परेशानी ज्यादा समय नहीं रहेगी। आलस्य छोड़ करके एक एक करके सभी काम हाथ में ले और समय पर करने का प्रयास करें। कोशिश और दूरदर्शिता से आपको मदद मिलेगी। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएंगे, उसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। धन लाभ होगा। नई ऊर्जा महसूस होगी। आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं उनके साथ मुलाकात या फोन पर बातचीत होगी।
नया पद आपको मिलने वाला है। उच्च पद प्रतिष्ठा का उत्तम योग बना हुआ है। किसी भी तरह की बातचीत, इंटरव्यू या सौदेबाजी से आपको फल प्राप्त होगा। दोस्तों और साथियों के दम पर ज्यादातर काम आपके पूरे हो जाएंगे। और उपाय के रूप में यदि आप बहते हुए पानी में या ठहरे हुए पानी में चावल के दाने डालते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। बिजनेस करने वाले लोगों को अच्छी प्लानिंग में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी। पैसों के लिहाज से दिन अच्छा साबित होगा और व्यवसायिक क्षेत्र में प्रगति और उन्नति का योग बन रहा है। रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होने वाला है। और उपाय के रूप में यदि आप पीले कपड़े का दान देवी जी के मंदिर में करते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।